नमस्कार, आप देख रहे हैं SRB न्यूज। SRB न्यूज के खास कार्यक्रम बदलता भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा देश बदल रहा है, लेकिन किस ओर बदल रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम अपने विशेष कार्यक्रम बदलता भारत में आपके सामने रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर आते हैं। आज हम बदलता भारत में बात करेंगे शराबबंदी की। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी है। उसके बाद भी रामनगर थाना अंतर्गत मधुबनी गांव शराब को लेकर चर्चा में रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ उराव जात से बिलोंग करते हैं, जिनको आदिवासी भी कहा जाता है। इन लोगों का कोई भी फंक्शन हो या त्यौहार हो, ऐसा कहा जाता है कि शराब होना ज़रूरी है। एक सूचना के आधार पर 2020 में जब रामनगर थाना मधुबनी गांव में शराबियों को पकड़ने तथा शराब कारोबारियों पर छापा मारने गई, तो ग्रामीण आग बबूला हो गए और पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर हमला बोल दिया था, जिसमें रामनगर थाना के आधा दर्जन से अधिक पुलिस वाले घायल हो गए थे और साथ ही 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस कांड को लेकर मधुबनी गांव के लगभग 300 से ज़्यादा लोग आरोपित हैं, जिसमें से कई जेल में भी हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए रामनगर के नया थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल करते हुए मधुबनी गांव में शराब को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत नुक्कड़ सभा का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें मधुबनी गांव के महिलाओं सहित पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यह शपथ भी लिया कि आज से ना ही हम लोग शराब बनाएंगे और ना ही किसी शराब पीने वाले को अपने गांव में आने देंगे। अगर जो ऐसा करता है तो हम लोग इसकी सूचना स्थानीय थाना को देंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे। जहां शराब को लेकर बदनाम मधुबनी गाँव, जिसको शराब के नाम से ही जाना जाता है, उसी गांव से एक लड़की ने सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित होकर उस गांव का तथा रामनगर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सब इंस्पेक्टर में चयनित अनुराधा कुमारी का कहना है कि सभी गार्जियन सरकार की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, ताकि वे लोग भी हमारी तरह गाँव और समाज का नाम रोशन कर सकें। आइए इस विषय में अन्य लोगों का क्या कहना है और उनका क्या राय है, सुनते हैं। आपके गांव में जो पुलिस पदाधिकारी और CO BDO साहब के द्वारा कैंपिंग किया गया नशा नहीं करने के प्रति कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जिससे यहाँ पे लोग मतलब नहीं समझते हैं, जैसे कि कितना भी कुछ बोला जाए लेकिन वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? यही कि आप लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए और आप लोग भी शराब बंद कीजिए, क्योंकि आपको देखकर आपके बच्चे भी गलत संदेश पढ़ते हैं। अभी आपका सिलेक्शन किस पद पे हुआ है? सब इंस्पेक्टर। आपका नाम? अनुराधा कुमार, मधुबनी। इसके लिए मैपिंग हमने शुरू करवा दी है। यहाँ पे स्पेशली
इस गांव के लिए हमारा एक स्टाफ है संदीप कुमार नाथ, जो मास्टर रिसोर्स पर्सन के पद पे है, और हर पंचायत में गांव में हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजर हमारी सीएम दीदी है, जो कि लिस्टिंग कर रही है। हमारे पास जो भी आवेदन आएगा उसको हम आगे जरूर करेंगे। ये सोच है समाज से शराब को समाप्त कर, समाज एक कुर्सी बन चुकी है और अपराध की जड़ है। इसी मिशन पर मैं रामगढ़ थाना अध्यक्ष अपूर्ण शर्मा आज मधुबनी में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे वीडियो साहब सभी मौजूद जनता में ये मैसेज दिया गया, शराब बहुत बुरी चीज़ है, शराब हमारे विकास के लिए बाधा है, अभिशाप है, हर परिवार को विकास नहीं होने देता है, हर हाल में ये शराबबंदी करना है। शराब का बूनों से वापस कराया गया और कानूनी पहलू से युक्त कराया गया है, जो शराबबंदी और लागू करने में दिक्कत करेंगे या ऐसा काम करेंगे उसके भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी मधुबनी में जो किया गया प्रोग्राम, इसका उद्देश्य बताया जाए। इस प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य है शराबबंदी है और लोगों को जागरूक करना है। हम लोग इस उद्देश्य को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग का प्रयास है कि इस पंचायत से, इस गांव से शराबबंदी प्रारंभ हो। और लोगों को हम लोगों ने कृत संकल्पित किया है कि ना वो शराब बनाएंगे, ना बेचेंगे और ना पिएंगे। आपके द्वारा योजनाओं के लिए क्या क्या बताइए? क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अगर शराबबंदी करेंगे, शराब नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या, ऐसी स्थिति में सरकार की कुछ योजनाएं हैं जहां से उनको आर्थिक सहायता मिलेगी और वो अपना दूसरा रोजगार विकल्प के रूप में कर सकते। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी रामनगर। अभी मधुबनी में जो पदाधिकारी लोग द्वारा किया गया शराबबंदी पर, उस पर क्या कहेंगे? आज का जो ये कार्यक्रम था, स्थानीय पदाधिकारी में जो लोग यहाँ उपस्थित थे, थाना प्रभारी, सीओ साहब, वीडियो साहब, सबका भीतर से उद्देश्य यही था कि नशा मुक्ति बिहार हो, यह गांव हो और इस समाज में एक शांति सामंजस्य बने रहने के लिए और गांव को सुदृढ़ रखने के लिए शराब बिल्कुल न बने। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा लगा। नुक्कड़ इसमें बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित था जो NGO के तहत कराया गया, यह कार्यक्रम आज का अनूठा था। आपका परिचय? मैं भूतपूर्व मुखिया शत्रुघ्न यादव, 10 वर्ष यहाँ मुखिया रहा हूँ और अपनी लगन सेवा से जहाँ तक मेरी जो पहचान।